हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का फोर्थ एप्लीकेशन हीट इक्वेशन। इससे पहले मैंने तीन एप्लीकेशन, ठीक है, टोटल चार एप्लीकेशन है, तो तीन एप्लीकेशन का वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हीट इक्वेशन है, लैपलेस इक्वेशन है, डिफ्यूजन इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उन एप्लीकेशन के वीडियो में एग्जाम्पल के साथ एप्लीकेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है हीट इक्वेशन, तो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। देखो, एक और चीज़ बता दूँ यार, जो कि मोस्ट क्लियर है, जो कि मैंने तीनों वीडियो में बताया है इसके एप्लीकेशन में, कि उसे करने से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता आपको, तो इस पर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप जाके उससे सीख लेना, देन आना यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता तो ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आता होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। देखो, आज का टॉपिक हमारा है द हीट इक्वेशन। ठीक है, हीट इक्वेशन क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन, सपोज करो यहाँ पे w दे रखा हमने, अगर उस फंक्शन का हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में दो बार, ठीक है, और वो इक्वल हमारा आता है डेल w बाई डेल t, यानी उसी फंक्शन का जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और c स्क्वायर से w करते हैं, c स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो वो फंक्शन हमारे, उसकी जो भी वैल्यू आती है वो हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ जाती है। ठीक है, यानी इस वैल्यू के इक्वल आ जाती है। तो हम कहते हैं कि जो w फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो w ले रखा है वो हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, अभी जो भी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है, अभी तो मैंने थ्योरेटिकल बताया, आप प्रैक्टिकल यानी एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है इस एप्लीकेशन का के रिगार्डिंग वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि वेरीफाई दैट w इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। यहाँ पे हमारा w क्या है, w इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, हम w को क्या करते हैं, वेरीफाई करने के हीट इक्वेशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता। देखो, सबसे पहले हम आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में दो बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को ट्वाइस पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमें गिवन है w x कॉमा t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखो x के रिस्पेक्ट में कर, तो मैंने x लिखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखना नहीं, और जब भी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करो तुम ऐसे, तो वहाँ पे जरूर लिख दिया करो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो आंसर शीट होती है टीचर्स के पास, उसमें अगर ऐसे स्टेप के नंबर होते तो नंबर काट लेते हैं, 1/2 या कुछ 0.5 करके ऐसे कुछ, ठीक है, होते हैं ना, चूज कट जाते हैं। तो करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल हमारे पास टी का वेरिएबल है, और यहाँ साइन में हमारे पास क्या है, एंगल में बस एक्स वेरिएबल है। हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, तो हम बस x वाला हमारा वेरिएबल हुआ, उसके अलावा जो t वेरिएबल है उसको हम ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का यही हमारे पास प्रिंसिपल होता है, तो उसको हम ऐसे एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस e की पावर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी, इन दोनों को आपस में कर सकते हो क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब साइन का करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाए कॉस पाई एक्स, पहले हमने फंक्शन का किया, देन एंगल करेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो क्या निकालते हैं, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं पार्शियली, डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास अगेन क्या होगा, ये जो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, और हमारे पास कोस पाई एक्स का होगा, कोस पाई एक्स का क्या होगा, माइनस साइन पाई एक्स होगा, और फिर एंगल का हमारे पास आ जाएगा पाई, यानी माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये हमारा कॉन्स्टेंट है ई की पावर, मैं पहले इसकी तरह फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ वैसे भी लिख सकते हो, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर वन लेते हैं। नाउ अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन पे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, हीट इक्वेशन। अब हमारे पास उसको फंक्शन को, गिवन फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम गिवन फंक्शन को क्या करेंगे, इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब आते हैं हम वहाँ पे फिर से, ध्यान से देखना, हम करते हैं अगेन अगेन नहीं यहाँ पर नाउ लिख लो, नाउ बेटर रहेगा, नाउ पार्शियल डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी, इतना समझ में आता है आपको। देखो हमारा फंक्शन था, फिर हम इसको कह रहे हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, एंड टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। वापस चलो फंक्शन पे, फंक्शन देखो हमारे पास क्या गिवन है, ई की पावर माइनस ई स्क्वायर पाई स्क्वायर टी इंटू साइन पाई एक्स। देखो टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो वह अगर टी वाला ही वेरिएबल लेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल तो उसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी इसको अब कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको वेरिएबल लेंगे। तो हमारे पास साइन पाई एक्स जो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो साइन पाई एक्स ऐसे ही आ जाएगा बाहर, और उसका होगा हमारे पास, तो पहले पावर होता है देन फंक्शन का होता है देन एंगल का होता है। पावर है फंक्शन है लेकिन एंगल नहीं है इसका, तो पहले पावर करेंगे तो पावर का हमारे पास हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर का वन हो जाएगा, और ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एक पता होना चाहिए, जो कि एक्सपोनेंशियल होता है, ना उसका डिफरेंशिएशन होता है ना ही उसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, एक किसी से भी ना डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है, बट अगर इसकी कोई पावर है तो पावर को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, पावर फंक्शन एंगल वाला रूल लगा कर। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, साइन पाई एक्स माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखे तो हमारे पास हो जाएगा साइन पाई एक्स सी स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर टू ले लेते हैं। अब देखो वापस चलते हैं, इसने बोला था कि अगर इस वाले डेल डब्ल्यू बाई डेल टी में अगर वन बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके बराबर आ जाती है। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले जो पार्शियल डेरिवेट करके आया उसमें सी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो देखो हमारे पास ए इसकी वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए टी क्यू डालते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी लेते हैं, इसको हम वन बाई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एरिया इसकी वैल्यू, ठीक है, इसमें हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन पाई एक्स माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा क्या, ध्यान से देखना, माइनस का पाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माइनस का पाई स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तो माइनस का पाई स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं पाई स्क्वायर, फिर देन साइन पाई एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। ठीक है, और एक इसके इक्वल था, ध्यान से देखना, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं सी स्क्वायर डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। अब देखो ये जो हमारे पास आया माइनस पाई स्क्वायर है, और सेम टू सेम देखो यहाँ पर ए वाला डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर है, साइन पाई एक्स है, साइन पाई एक्स है, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी है, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी है। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं हम, इसको फिर से इसको लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या था बराबर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा था, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल से वो भी क्लियर ही हो गए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिले, एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा लगातार लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।